हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवार हों, चाहे वो फार्मिस्ट के उम्मीदवार हों, चाहे वो ANM के उम्मीदवार हों, चाहे वो LT के उम्मीदवार हों, सबको दोस्तों 17,000 प्लस की वेटिंग का यहाँ पर इंतजार है कि वेटिंग कब जारी होगी। यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उम्मीदवारों के लिए और नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा उम्मीदवारों को कोई भी एक आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने कई सारे मोर्चे निकाले, साथ ही यहाँ पर जो है आपने ट्विटर कैंपिंग भी चलाया, पर दोस्तों उसका अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है उम्मीदवारी को आश्वासन नहीं मिल पाया। पर दोस्तों हाल ही में उम्मीदवारों द्वारा यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया था जनता दरबार के अंदर। दोस्तों अपनी मांगों को लेकर, अपनी वेटिंग लिस्ट को लेकर वहाँ पर कुछ उम्मीदवारों ने वहाँ पर जाकर विज्ञापन सौंपा था, और विज्ञापन सौंपने के बाद जो उम्मीदवारों के आश्वासन दिया था गया था, क्या उस आश्वासन पर उम्मीदवारों को कुछ जो है अपडेट मिल पाई कि नहीं मिल पाई वेटिंग के लिए? क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक के जितने भी विज्ञापन जनता दरबार से पहले दिए गए थे वो सारे यहाँ पर जो है उन उम्मीदवारों के निफल जा रहे थे। दोस्तों वो कोई भी कार्य डिपार्टमेंट द्वारा नहीं की जा रही थी, उनसे वार्तालाप भी सही ढंग से नहीं की जा रही थी, उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। पर दोस्तों अब जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे मोटिव की तरह आ रही है, क्योंकि एक स्टेप हो सकता है कि आप सभी वेटिंग के लिए नज़दीक आ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों उम्मीदवारों द्वारा जनता दरबार के अंदर जो मांगे रखी गई थी, जो विज्ञापन सौंपे गए थे, उनके यहाँ पर जो है उनके द्वारा जो उम्मीदवारों को आश्वासन दिया गया था उसके रिगार्डिंग दोस्तों कुछ तो अपडेट आई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो अपडेट आप हमें दे रहे हैं, जो शिकायत आप हमें दे रहे हैं वेटिंग के रिगार्डिंग, आप नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट के अंदर जाकर इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, और हमारे तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपकी बातों को बिल्कुल ही सुनेंगे, अनदेखा नहीं किया जाएगा, आप जाकर वहाँ विज्ञापन दिए। तो दोस्तों क्या हुआ, उम्मीदवारों ने विज्ञापन दिया तो उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, क्या अभी तक विज्ञापन दिया गया या नहीं दिया गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों फार्मिस्ट के अंदर, LT के अंदर, स्टाफ नर्सिंग के अंदर, AMN के अंदर, हर कोई उम्मीदवारों को वेटिंग के इंतजार है, और सारे जितने भी वेटिंग के उम्मीदवार हैं उन्होंने नई भर्तियों के रिगार्डिंग भी फॉर्म फिल कर चुके हैं। पर दोस्तों उन्हें उम्मीद है कि हमारी एग्जामिनेशन से पहले 17,000 प्लस की जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाती तो एक अच्छा रहता। अगर हमें संविदा पे काम करना है तो हम कर सकते हैं, या अपने लिए कुछ आगे जो है नए रास्ते भी खोल सकते हैं। पर दोस्तों कसमकस में रखने वाले नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट को अब कुछ ना कुछ जो है एक्शन के रिगार्डिंग रिएक्शन देना ही पड़ रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों एक्शन का रिएक्शन क्या आ रहा है वो मैं आप सभी को बताते वाला हूँ। दोस्तों हर एक बड़ी अपडेट के लिए, छोटी अपडेट के लिए जितनी भी नोटिस आती हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन की अपडेट जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आप सभी तक शेयर कर दी जाती है। नई भर्तियों की विज्ञापन हो, रिजल्ट हो, फार्मेसी की कटअप हो, जो भी NHM डिपार्टमेंट से, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी होती है, आप सभी को टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट की जाती है। चलिए दोस्तों अब क्या अपडेट है वो मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले उम्मीदवारों ने आपस में यहाँ पर वार्तालाप की, और वार्तालाप कराकर यहाँ पर कुछ उम्मीदवार यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों गए अपने विज्ञापनों को लेकर। क्योंकि दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर बार बार उम्मीदवारों की यूनिटी कम हो रही है, संख्या कम हो रही है, जिसके कारण इस भर्ती पर कर्मचारियों पर दबाव नहीं बन पा रहा है। इसलिए दोस्तों जितने भी उम्मीदवार जो है आपस में वार्तालाप कर एक साथ एक संगठन बनाकर दोस्तों यूनिटी दिखाते हुए अपनी मांगों को अगर रखते तो कार्य है वो यहाँ पर कब तक हो गया होता इन चीज़ों को लेकर यूपी के अंदर। क्योंकि राजस्थान के अंदर उम्मीदवारों की एकता है, जिसके कारण कई सारी भर्तियों अपनी एकता के अनुसार ही वहाँ पर निकाला जा रहा है। डिपार्टमेंट अगर नहीं निकाल रही है तत्काल प्रभाव से दबाव भी बनाया जाता है, पर यूपी के अंदर उम्मीदवारों की संख्या जो है वो एकत्रित नहीं हो पा रही है, संगठित नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यूपी NHM डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी जो है उम्मीदवारों द्वारा दबाव नहीं बना पा रही है इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं जो अपनी प्रक्रियाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं अपनी वेटिंग को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों तो उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है वो मैं बता देता हूँ। तो उम्मीदवारों द्वारा दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर कदम उठाया गया कि कुछ टेम्पलेट चिपकाए गए, निकाले गए, और उसके बाद जो है विज्ञापन
जो है विज्ञापन के तौर पर अपनी शिकायत जो है वेटिंग के रिगार्डिंग दी गई, जिसमें कि कई सारे मांगे थी। उसमें कई सारे उम्मीदवारों अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग भी गए हुए थे। इन चीज़ों की जो मांगे हैं अंतिम डिपार्टमेंट द्वारा रखी गई। पर दोस्तों कई सारी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो अपडेट थी उनके द्वारा कहा गया कि यह होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अगर इसके रिगार्डिंग मोर्चा निकाला जाएगा, क्योंकि हाल ही में फिर से एक बार मोर्चा निकाला गया था इसके रिगार्डिंग। पर दोस्तों यहाँ पर वो चीज़ तो असफल हुई, पर दोस्तों उनके रिगार्डिंग नोटिस दी गई है कि अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लाभदारी होगा। पर दोस्तों वेटिंग के रिगार्डिंग जब नोटिस दी गई तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिली यह बताया जा रहा है कि जब उम्मीदवारों ने अपनी वेटिंग के लिए जो विज्ञापन दिए, उस विज्ञापन के तौर पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन के डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि जो उम्मीदवारों की बातें थी कि क्या यह भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, या इसे रद्द कर दिया जाएगा, तो उम्मीदवारों द्वारा यह सारे सवाल जो हैं पूछे गए, तो उनके द्वारा अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अगर इसकी वेटिंग नहीं जारी करनी होगी तो सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा संविदा भर्ती की जो पोस्टें हैं उस पर दोस्तों पहले सबसे पहले नोटिस निकाल कर यह आप सभी को अपडेट करेगी कि इसकी हमें वेटिंग नहीं निकालनी है, इसके रिगार्डिंग जो है उम्मीदवारों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों पर पहले नोटिस निकाली जाएगी, उसके बाद जो है इस भर्ती को रद्द किया जाएगा वेटिंग के लिए। पर दोस्तों उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वेटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर आएगी, पर थोड़ा अभी समय लगेगा क्योंकि एग्जैक्टली डेट मेंशन करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता में कई चीज़ों के लिए परमिशन ली जाती है और उस परमिशन के बाद ही कोई भी चीज़ों को यहाँ पर जो है अपलोड किया जाता है उसके वेबसाइट पर। पर उन्हें यह पूरे तरह से आश्वासन दिया गया कि उम्मीदवारों की जो वेटिंग है वो 100% आएगी, 90% भी या 10% भी नहीं सोच सकते हैं कि नहीं आएगी। पर दोस्तों यहाँ पर उनके तरफ से 100% चांसेस बताया गया है कि जो वेटिंग है वो कन्फर्म है, वो आएगी, पर उम्मीदवारों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पर कितना समय के लिए उम्मीदवारों ने पूछा इनके बारे में उनके तरफ से कोई भी जवाब स्पष्ट कर से नहीं आया, क्योंकि कहा है कर्म डिपार्टमेंट जो है कर्मचारी जो है इन पर काम कर रहे हैं और जैसे ही इसकी काम की प्रक्रिया पूरा हो जाएगी आप सभी को वेटिंग जारी करने को मिल सकती है। उनके द्वारा एक झूठ जैसा कि दोस्तों उनके द्वारा एक बताया भी गया कि मोटा मोटी आप समय की प्रक्रियाओं को लेकर अगर देखें तो हो सकता है कि इसी महीने या अगले महीने के बीच में जो है कार्य हो सकते हैं, और कुछ ज़्यादा तो नहीं पर कुछ जो है प्रोग्रामों की वेटिंग को यहाँ पर जारी किया सकता है। पर किस प्रोग्राम की या यहाँ पर यह चीज़ नहीं बताई गई, पर कुछ प्रोग्रामों की जो वेटिंग है वो यहाँ पर जारी की जाती है। तो यानी कि दोस्तों जो जनता दरबार के अंदर अपील की गई थी उसके रिगार्डिंग उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी 17,000+ के रिगार्डिंग, मैंने आप सभी को शेयर कर दिया। अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर पूछिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद।